الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया और तुम पर से वो भारी बोझ उतार दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था और तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र का आवाजा बुलंद कर दिया। बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराखी भी है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। लिहाजा जब तुम फारिग हो तो इबादत की मशक्कत में लग जाओ और अपने रब ही की तरफ रागिब हो। सदकल्लाहुल अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितना मेरा वाबस्तगी रही है और एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ टीचर भी और एज अ मेंटर भी, जितनी मैं सर्विसेज यहाँ पर कनाडा में दे सकती हूँ उसको देने की सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये पूरी हुई है कि कम से कम मैं अपने उन लोगों को जिनको मेंटल हेल्थ का यानी कॉन्सेप्ट भी है और नहीं भी है और उनको वो हिडन मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ जिसमें उनको ये पता चल जाए कि भाई ये चीजें कहाँ पर शुरू, कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं। को मैं जितना हो सके मैक्सिमम अपनी ही जबान में, अपने ही कल्चर के हिसाब से मैं आप लोगों का कम्युनिकेट कर सकूँ। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि यूनाइटेड स्टेट के एक सर्वे के मुताबिक और के हर साल जो है हर पांच में से एक औरत को जो है ये इशू होता है जिसमें से रिलेटेड एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है एंड लाइक ईटिंग डिसऑर्डर है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप ये समझें कि जिसमें यहाँ पर लिबरलाइजेशन इतनी नहीं हुई है मगर मौजूद होती हैं। कुछ चीजें हम जान जाते हैं, कुछ चीजें हम नहीं जानते, मगर इसका ताल्लुक कहाँ से कहाँ पहुंचता है ये भी हमें नहीं पता होता। मेंटल हेल्थ जो है, हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ वो है क्या चीज, क्या इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्या ये फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, क्या ये उन चीजों से रिलेटेड है जिनको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तो जी हाँ, मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसमें आपके पास दुनिया की हर दौलत होते हुए भी आप एक जहनी सुकून की तलाश में अगर रहें तो वहां समझ लीजिए कि आपकी ये हेल्थ अफेक्टेड है। हम यहाँ पर तमाम आसाइशों से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जितनी भी चीजें मिलती हैं, हमारे अपने कंट्री जहाँ से हम आए हैं हमें मिलती हैं, वो सारी चीजों को हम अगर देखें तो हमें हर चीज मैसर है। मगर हाँ, अगर कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसमें हमें जहनी सुकून मैसर नहीं आ रहा, हमें नींद सुकून से नहीं आ रही, हमें चीजें अच्छी होते हुए भी अच्छी नहीं लग रही, हमें खुशी महसूस नहीं हो रही, तो समझ लीजिए कि यहीं पर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा वार्निंग साइंस अगर आप समझें जहाँ पर जो एक अलामत जिसको आप कहेंगे वो ये है कि जो बड़ों में पाई जाती है वो कंफ्यूज थिंकिंग। समटाइम्स ये होता है कि हम चीजों को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, मगर उसको उस लेवल पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, सामने वाले की बात कभी समझ में नहीं आ रही होती। या आप यूं कह लीजिए कि वो कह रहा है कुछ और आप उसको अपने जाविये पे समझ रहे होते हैं। बहुत लंबी एक
यानी काफी अरसे से कभी आपको दिल की खुशी महसूस करना होना, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, अंदर से जैसे तबीयत कमजदा महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट है, बच्चों को छोटी छोटी बात पे झड़प देना, हस्बैंड से अननेसेसरी बात पे डिस्कस करना, और फिर देखिए आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा आप इरिटेट होती हैं कि उनकी सही बात भी आपको कभी गलत लगने लगती है और उलझ जाती हैं, आप गुस्सा होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको खुद अंदाजा नहीं होता कि ये हो क्या रहा। कभी कुछ खवातीन में ये भी देखा गया है कि गैर जरूरी तौर पर एक खौफ जो है वो दिल में पल जाता है, एक परेशानी होती है एक तरह की कि पता नहीं बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे कर पाएंगे, क्या दीन ईमान की सलामती के साथ ये अपनी जिंदगी को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन सेट की हुई होती है इनके लिए और हम चाहते हैं हमारे बच्चे उसी तरीके से चलें। तो यहाँ पर जो है वो ये खौफ, और इसी खौफ की वजह से जो जिस चीज का हम शिकार हो जाते हैं वो एंजाइटी कहलाता है, और एंजाइटी को ही ये इतने प्रोलॉन्ग हो जाती है कि आपकी समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है या क्या है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कुछ नहीं इस्तेमाल करते, जब जाके हमें ये पता चलता है कि भाई ये कुछ है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की आपको मेडिसिन देते हैं, इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या वार्निंग साइंस है। सबसे बदतरीन चीज ये होती है कि लोग एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते, किसी को देखना नहीं चाहते, इवन अपनों से भी मिलना नहीं चाहते, अपने बच्चों से मिलना नहीं चाहते। तो ये तमाम चीजें जो है ये सोशल विड्रॉल में आती हैं, जो कि आपको एक खतरनाक मोड़ पर ले जाती हैं, जहां से वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, कोई आपको पकड़ के लेकर नहीं बाहर आ सकता। यहाँ पर आपको ये सोच लेना चाहिए कि हाँ कुछ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, अगर मैं सही किसी को समझ नहीं पा रही हूँ, कहीं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा उदास है, कहीं मैं बहुत ज्यादा जो है मेरी फीलिंग लो जा रही है, मैं लोगों को मिलना पसंद नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खौफ हो रहा है अपने बच्चों से, अपने शौहर से, अपने बिजनेस से, अपने रिस्क से, हर चीज से। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको ये एक साइन है, आपको सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर मुझे अपना खुद ख्याल करना है या किसी को भी रुजू करना है। अच्छा, और ये है कि कुछ होता है कि जैसे अपनी हम यानी हर एक इंसान के साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा सब कुछ चलता रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं इसमें लाइफ में, किसी के अपने ही बैक होम में किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी की डेथ हो गई, कोई अपना परेशान है, तो उसकी वजह से गैर जरूरी तौर पर जो है आपको यानी कभी आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, कभी खाना बिल्कुल कम हो जाता है, कभी नींद की जो हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, रात को पूरे सो नहीं पाती हैं, सुबह देर से उठते हैं, या दिन में किसी वक्त नींद आने लगती है, और फिर गुस्से की बेतहाशा यानी कि कैफियत हो जाती है जिसमें आप ये समझ ही नहीं पाती कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, गैर जरूरी गुस्सा आता है। और कुछ के अंदर तो ये भी रिपोर्ट हुआ है मेरी अपनी प्रैक्टिस में ही कि ख्वातीन हों या मर्द हों, ये समझ लीजिए कि चीजों का उठाना फेंकना, बच्चों को गैर जरूरी तौर पे मारना या फिर घर से निकल जाना, किसी और के यहाँ चले जाना, ये सब इन फीलिंग्स में आता है जो कि हिडन है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी को आप शनाख्त नहीं कर सकते, जिसको आप सोच नहीं सकते कि शायद ये मेरी मेंटल हेल्थ इश्यू में शामिल है। आपको अजीब अजीब से सोचों का आना कि ये फला ने कर दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने जादू कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, ये तमाम चीजों का महसूस होना, ये भी इसी चीज में शामिल होता है। और फिर समटाइम्स हम बैठे होते हैं इतनी सोचों में महक होते हैं, तो उसमें ये आपको अंदाजा होता है कि लाजिम है कि यहाँ से कोई आवाज आ रही है, किसी ने मुझे मैसेज कम्युनिकेट किया, अब मुझे ये करना है, तो ये गैर जरूरी तौर पर अननेसेसरी कहेंगे हम ये भी कह सकते हैं और फ्याम में, और लाजिम है हमारा जिस मजहब से ताल्लुक है वहां पर हम शैतान ही को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं जो अपने ट्रैक से हमें हटाता है। बहरहाल शैतान का काम यह है कि हमें अपने दीन से, अपनी मजहब की बातों से और अपने यकीन से मुतजलजल करना और उन बातों की तरफ लेके जाना जो कि हमारे इस्लाम के मनाफी है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और भी चीजें ये होती हैं कि जैसे अंदर आपके ग्रोइंग इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज, लाइक अब सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे जैसे रोजाना के रूटीन होते हैं ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के सोने तक, उन एक्टिविटीज के अंदर अगर कोई किसी किस्म का भी आपको महसूस हो कि आपका दिल नहीं चाह रहा है, आप अच्छा नहीं कर पा रही हैं, उसमें गलतियां हो रही हैं, या उसको प्रॉपरली जो टाइम पे आपने स्केड्यूल किया हुआ होता है वो नहीं हो पा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक वार्निंग साइन है आपके लिए, और आप ये समझ लें कि आप कहीं जो है वो
कुछ ऐसी चीज है जो आपको अपने रूटीन से हटाए हुए है। तो बहनों एक बात आपको ये बताऊं कि ये तमाम चीजें जब बहुत ओवरवेल्म हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और आप अपनी जिंदगी के अंदर ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, और कभी मैं अपने बच्चों को नहीं तवज्जो दे पा रही, कभी मैं शौहर को नहीं, कभी अपने आप को नहीं, कभी गैर जरूरी तौर पर सोचे आ रही है, कभी खौफ आ रहा है, तो इस चीज के घबरा करके कभी दिमाग में ये भी ख्याल आ जाता है कि ये जिंदगी ही क्यों, हम क्यों जिंदा रहें, हमें एक यानी कि अपने आप को खत्म करने का भी सोच आ सकती है, और ये सोच भी एक बहुत खतरनाक किस्म की वार्निंग साइन है जिसे आपको अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज में शामिल करना चाहिए। न्यूमेरस अनएक्सप्लेन फिजिकल एलिमेंट्स, बहुत सारी आपको जिस्मानी अलामत शुरू हो जाती हैं, और आप फिर उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज करना शुरू कर देते हैं, कोई नींद की गोली जिससे हमको सुकून मिल जाए, जिसम में दर्द जो है वो सही हो जाए, एक्सेसिव यूज कर लेते हैं पेन किलर्स का, कि अब बस अब यह है कि हकीकत से थोड़ा दूर हटना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको, आप ये तो सोच रही होती कि हाँ मैं ये इससे मैं भाग रही हूँ, इससे मैं बच रही हूँ, और इन चीजों को मैं कोप अप कर रही हूँ, बेसिकली वो कोप अप नहीं हो सकता, आप अपने आप को कोप अप नहीं कर रही हैं। रोजाना की एक्टिविटीज से अगर आप इतने छोटे छोटे से मसाइल होते हैं जिसको हम आम आपकी जो बहुत सारी जैसे इनएबिलिटीज होती हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि जैसे एक छोटा सा मसला हुआ, अगर एक हेल्दी जहनी तौर पर हेल्दी इंसान है, फिजिकली हेल्दी इंसान है, उसको फौरन सोचेगा, उसको सल करने की कोशिश करेगा, मगर जब आप सोचें कि मुझे ये छोटा सा मसला भी हल नहीं हो रहा और मैं इसको सही नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसकी जिस लेवल पे मुझे पहुंचना चाहिए मैं नहीं पहुंचा पा रही हूँ, मैं पहले तो ये कर लेती थी अब नहीं कर सकती, तो वहां सोचें कि देयर इज समथिंग, कुछ है ऐसी बात जिसकी बिना पर मैं नहीं वक्त पे अपने कामों को कर पा रही हूँ, अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर पा रही हूँ, आज मुझे ये काम करना था मैं ये नहीं कर पा रही, या मुझे ये काम कर लेना चाहिए था मैं नहीं कर पा रही। तो ये छोटे छोटे से मसाइल, छोटी छोटी सी बातें, अगर इसके अंदर भी इनएबिलिटीज हैं तो आपकी ये जहनी तौर पर कुछ समझ लीजिए कि अनहेल्दी होने का सबूत देती हैं। अगर आप जैसे जिस्मानी बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिसको कभी कहते हैं सर का दर्द हो गया, पैर का दर्द हो गया, और ये है कि स्टमक कंप्लेंट्स जो होती हैं और डायरिया हो जाना होता है, ये तमाम चीजें जो होती हैं इसके अंदर आप ये सोचेंगे ये जरूरी नहीं है कि आपके जिस्म में कोई खराबी है, ये भी किसी सोच के हिस्से से अटैच्ड होती हैं, और ये इस तरीके से अटैच्ड होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता, नींद खराब होती है, आपके रोजाना के रूटीन खराब होते हैं, आपके खाने की आदतें खराब होती हैं, तो डेफिनेटली इन चीजों का डिस्टर्ब होना भी जरूरी है, और इसलिए कि बॉडी केमिकल भी किसी चीज का मोहताज होता है, हमारी डाइट का मोहताज होता है, हमारे केमिकल्स जो हम ले रहे होते हैं उसका मोहताज होता है, कितना हम पानी ले रहे हैं, कितना हम खाना खा रहे हैं, कितने वेजिटेबल्स ले रहे हैं, अल्लाह की दी हुई चीजों को कितना अप्रोप्रिएटली हम यूज कर रहे हैं, तो ये जब हम सही यूज नहीं करते इसका मकसद है कि हम मेंटली तौर पर सेट नहीं है, जब भी हम इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, तो फिर ये फिजिकल एलिमेंट शुरू हो जाते। अच्छा, यही चीजें जो हैं वो बड़े बच्चों में भी होती हैं, जो एडोलेसेंस के पीरियड में होते हैं तो उनके अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं, इनके अंदर भी जो है अपने एबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी छोटी, इनके तो जिम्मेदारियां ही छोटी होती हैं, वो ये होती हैं कि स्कूल का टाइम पे काम करना, होमवर्क जमा कराना, वक्त पे पहुंचना, अपने आप को टाइडी रखना, क्लास में अपग्रेड रहना, अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, ये तमाम चीजें जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होती हैं। जब बच्चे की ये कंप्लेन आने लगे तब भी समझ लें कि बच्चे के साथ कोई इशू है। यहाँ पर आप अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखते, समटाइम्स ये होता है कि हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज जो है वो रिलेटेड होते हैं हमारे बच्चों से, हमारे फैमिली मेंबर्स से, हमारे बैक होम से, तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें, ये डायरेक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपकी सोच जानी चाहिए कि मैं अगर कोई चीज सफर कर रही हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में चीजें गलत जा रही हैं। ये भी होता है कि जिस तरह से बच्चे जो हैं वो गलत हरकतों पर चले जाते हैं, गलत हैबिट्स में चले जाते हैं और गलत दोस्तों में चले जाते हैं, गलत दोस्त हैं, गलत हैबिट्स से मुराद ये है कि वो बातें जो कि अनएक्सेप्टेबल उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए है, जो कि उनकी तालीम के आगे आ रही है, जो उनके रिलेशनशिप के आगे आ रही है, माँ बाप की इज्जत और एहतराम के आगे आ रही है, तो ये तमाम चीजें भी नोट करें कि ये बच्चा जो खामोखा कर जिद्दी है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो ये क्या है, ये कुछ ऐसा ही नहीं है कोई
कोई ऐसा खुदरो पौधा नहीं है कि जिसके अंदर से ये चीज निकल आई है. देयर इज समथिंग रॉन्ग. एंड एज अ पेरेंट आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है कि ये क्या सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप ही इन चीजों को देख करके सिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है. इसमें बच्चों में बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे जो हैं बहुत एंजाइटी का शिकार, ये भी मेरे पास बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की, एडोलेसेंस की एज की, कि उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा आती है, इनके अंदर अननेसेसरी फियर्स होता है, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर की फिक्र होती है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, क्लास में तो इतने स्मार्ट लोग हैं, यहाँ पर तो इतने अच्छी क्लास के लोग हैं, इनके तो इतने अच्छे घर हैं, इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, इतने फाइनेंशियली वेल हैं, हम नहीं हैं. या फिर यह है कि उसके पास तो सारी सहूलतें मौजूद हैं, मेरे पास नहीं है, या उसके पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, मेरे पास नहीं है. तो ये तमाम चीजें बच्चों के जहन में एक हंगामा मचा रही होती हैं. इस हंगामे के दौरान में एज अ रिजल्ट समटाइम्स बच्चे एंजाइटी का शिकार होते हैं, समटाइम्स वो एंगर में आ जाते हैं, और समटाइम्स इन चीजों को हैंडल करने में वो फिर सब्सटेंस का सहारा लेते हैं, मारवाना का यूज कर लेते हैं, सिगरेट नोशी शुरू कर लेते हैं. इवन ये लड़कियों में भी चीजें पाई जाती हैं और लड़कों में भी पाई जाती हैं. और जो नेगेटिव मूड होता है बच्चों में, जिस तरह से यानी कि इस तरीके के घर के अंदर इरिटेटेड मूड रखना, अपनी उनकी खाने की जो आदतें हैं, जो हैबिट हैं, बदल जाती हैं, कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ जाते हैं, और इनके अंदर दिमाग में मेरे पास 14 to 22, 23 तक के जो लड़के लड़कियां जो आते हैं, उनके पास ज्यादातर अपने मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम अपने आप को खत्म कर लें. तो एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार माँ बाप होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार अपने बच्चों का दोस्त होने की हैसियत से, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीजों को भी देखें, क्योंकि यही चीजें देख करके हम खुद जो है वो ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ इशू में कंसिडर किया जाता है. अब ये है कि प्री एडोलेसेंट जो कि छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें आप ये कहें कि आप बच्चे देखते हैं बहुत ज्यादा बेचैन तबीयत का होता है, एक जगह बैठता नहीं, एक जगह फोकस नहीं करता, ज्यादा देर तक के लिए वो एक काम नहीं कर सकता, ना टीवी देख सकता, अपना खाना भी लेकर के प्लेट लेके पूरे घर में घूम रहा होता है. तो ये जो मूविंग अराउंड हाउस है, और लाइक वो अपने आप को जिस तरीके से घुमा फिरा रहे होते हैं, तो ये इनके अंदर की बेचैनी होती है, जिसको यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी में जो है कंसिडर किया जाए जाता है, जिसको मैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई लेबलाइजेशन आपको नहीं दूंगी, कोई डायग्नोसिस नहीं दूंगी, मगर ये चीजें कंसीडर करने वाली हैं कि बच्चा गैर जरूरी तौर पर जो है वो इन हालात में नहीं अपने आप को लेकर जाता जहां पर वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसको तो ये सेंस ही नहीं कि मुझे करना क्या है, मुझे अपनी चीजों को एक्सप्रेस कैसे करना है. इन चीजों को देखे माएं परेशान होती हैं, जो यंग मदर्स हैं वो परेशान होती हैं, उनके अंदर भी इरिटेटेड मूड आ जाता है, उनका डिप्रेशन होता है, और वो ये समझती हैं कि मैं इस अहल ही नहीं हूं कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं. बच्चों के अंदर जो है नाइटमेयर्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एंगर होता है, वो कोई बात आपकी सुनना पसंद नहीं करते, वो आपको अपना दुश्मन समझते हैं कि माँ ही है वो चीज जो कि हमको रोक रही है, हमें इन चीजों से निकाल रही है, हमारी पसंद की चीजें हमें करने नहीं दे रही, हमें गेम नहीं खेलने दे रही, हमें टीवी नहीं देखने दे रही, ऑलवेज फोकस यही है कि होमवर्क करो, स्कूल जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये टाइमिंग्स हो गए, वो टाइमिंग्स हो गए. तो ये इन अप्रोप्रिएटनेस जो ड्यूरिंग आप बच्चों की जो परवरिश कर रहे होते हैं, जो इस ब्रॉडर प्रोसेस के अंदर जो ये चीजें आती हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है, और उनका चूंकि वो समझदार नहीं होते, उनको ये पता नहीं होता कि हम किस तरीके से अपने आप को लेकर आएंगे और किस तरह हम अपनी बात को बोल सके, तो उनका सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, वो तो या गुस्से होते हैं या आपके सामने मिसबिहेव करेंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, या फिर वो टेम्पर टेंटरम शो करते रहेंगे और सारा दिन आपको तंग करते रहेंगे कि भाई ये क्या है. कुछ बच्चों में इतना आउटबर्स्ट होता है कि वो इतनी छोटी सी एज में, मेरे पास कंप्लेंट ये भी आई है कि उन्होंने अपने मदर्स को, अपने फादर्स को जख्मी भी किया है, और इतना उन्होंने चीजों को थ्रो किया है, और अपनी चीजों को जो है वो समझ लीजिए कि वो समझते हैं कि यही एक इजहार है जिसमें शायद मेरे पेरेंट्स समझे, और इसके रिएक्शन में फिर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, शायद हम मियाँ बीवी में कुछ ऐसी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और इन्ही चीजों की वजह से रिलेशनशिप भी पुअर होते हैं, और मेनली कॉज ये बनता है कि फिर आगे आप अपना, कुछ लोग अपने सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ ही ना रहें, कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं ये बच्चे किसी और को दे दें. बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप, ये सिर्फ मैं आपको
यानी कि मुख्तलिफ किस्म की दे रही हूँ, अगर आप इसको देखें सुने और अंडरस्टैंड करें और मैं अगर इसकी लिस्ट आपको दूं तो आपको खुद तकलीफ होगी। आपको ये अंदाजा होगा कि जिसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज कभी कंसिडर करते ही नहीं है उसकी रूट कॉज क्या है, हमें कहाँ कहाँ देखना है, हमें किन किन चीजों को परखना है, हम कहाँ आंखें बंद किए हुए हैं, कहाँ हमने खोली है, किस जगह हमने अपने आप को सेट नहीं किया, कहाँ हमारे रिलेशनशिप हो रहे, कहाँ हम सेल्फिश हो गए, ये तमाम चीजों को फोकस करने के बाद ही आप अपने आप को तवज्जो दे सकते हैं। ओके चल, बहरहाल ये तमाम चीजों को आप देखते हुए, आप ये यंगर बच्चों में भी ये चीजें हैं, तो कॉमन एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस जो है वो जिसमें क्रॉनिकल फिजिकल कंडीशन है आजकल यहाँ पर, जैसे आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, एस्मा, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ये सब मैनिफेस्टेशन है आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से। ये सारी चीजें जो हैं वो समझ लीजिए कि आपको अभी तक मैंने साइन एंड सिम्टम्स एंड वार्निंग साइंस सारी बता दी हैं और ये चीजें आपको नजर भी आ रही होंगी, मगर इसको आप एक्सेप्ट कहाँ कहाँ करें ये अवेयरनेस मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आप आइए कोपिंग स्ट्रेटेजीज की तरफ कि हम इन चीजों को कैसे हल करें, हम इन चीजों से कैसे छुटकारा पाएं। तो सबसे जो अनहेल्दी इसका स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस पर अनहेल्दी दवाओं का मेथड यह है कि हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं या फिर यह है कि अपने कैसे बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं और कामों को देर देर से करना और अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश रहना पसंद करते हैं। मगर जो हेल्दी स्ट्रेटेजीज हैं वो डिफरेंट हैं, जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले ये है कि एक्सेप्ट करें कि हम एक्सेप्ट करें कि हम कहाँ हैं, हम क्या, हमको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी की इतनी इरेगुलरिटीज हैं वो किस वजह से हैं। अगर वंस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम अपने बिहेवियर को हैंडल भी करना जान सकते हैं। जो अनयूजुअल बिहेवियर है आपके अपने कामों में, जितनी प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप डिले वर्क कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको नोटिफाई करने की कोशिश करें कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं यहाँ पर सही हूँ, इन चीजों को भी एक्सेप्ट करना है, यही हेल्दी स्ट्रेटेजी है। आप अपने जो सपोर्ट नेटवर्क है, कम्युनिटी है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप जितने भी हैं, बहन भाई हैं, उन सबको जो है वो यानी कि उसको एस्टेब्लिश करें, उनसे ताल्लुकात अपने बढ़ाएं और फिर उनसे डिस्कस करें। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये होता है कि अपने सर पर ही अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो अब आपको ये जानना है, समटाइम्स किसी को हम ना नहीं कह सकते, अपने शोल्डर पे हम बहुत बर्डन्स ले लेते हैं तो वो चीजें भी हमें ओवरवेल्म कर जाती हैं। तो यू शुड लर्न के भाई हमें किस अप्रोप्रिएट टाइम पर कितने सलीके से, कितने तमीज के दायरे में दूसरे को ना कहना है और कैसे कहना है अपनी भी जिम्मेदारियों को बताते हुए। अपनी जिंदगी में से उन लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप ताल्लुकात खत्म कर दें, मगर हाँ जो लोग स्ट्रेस क्रिएट करें आपके अंदर, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाएं, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। आप अपने एनवायरमेंट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें और फिर आप साथ में ये भी देखिए कि जितनी भी आप अपने अंदर जो जितनी फीलिंग्स हैं आपकी जो भर गई हैं, आप ये समझती हैं कि बॉटलिंग अप हो गई हैं, जैसे एक तकलीफ है आपको, आपको एक परेशानी है बच्चे की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, घर की तरफ से, घर के कामों की तरफ से, तो इन सबको किसी भी एक अपने दोस्त से, अपने सबसे पहले तो हस्बैंड से एक्सप्रेस करें, इन अप्रोप्रिएट में नहीं बल्कि आराम से, सलीके से, फिर इसके बाद जो है भी अपने दोस्तों से करें, कहीं अच्छा मशवरा लें और फिर जो है अपने आप को उसमें उस हालात में कम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश करें, कहीं आप अपने आप को भी बदलें और कहीं आप दूसरे को बदलने के लिए एक पॉजिटिव वे अख्तियार करें और अपनी जिंदगी के अंदर जो है बैलेंस को इख्तियार करें। कहीं भी इम्बैलेंसिंग जो है बगैर मयारा रवि जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे मजहब में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चीज को अगर हम लेके चलेंगे तो आप ये देखिए बहुत सारी चीजों से दूर हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल से दूर हो जाएंगे आप। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती, जिसको हम अनकंट्रोलेबल कहते हैं, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती, उसको कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश ना करें। कुछ चीजें जो है वो अल्लाह पर छोड़ें, तवक्कुल करें और जो आपने इख्तियार में है वो करें, मेहनत करें, कोशिश करें और फिर इसके नतीजे अल्लाह पर छोड़ दें और डेफिनेटली इसके बेहतरीन नतीजे निकलते हैं। हमेशा जो है वो पॉजिटिव साइड देखें अपनी जिंदगी में, नेगेटिव साइड को देखने की जगह जो है वो पॉजिटिव साइड देखें और उन चीजों को देखें जिससे आपका दिल खुश होता हो, बजाय इसके कि उन चीजों को देखें कि जिससे आपकी तबीयत खराब होती हो या आपकी तबीयत में बेचैनी आती हो।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जनाब लोग जो हैं वो आपको किसी ना किसी तरह से परेशान करते हैं, किसी तरह से आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वो उनकी समझने के कम अकली है जिनकी बिना पर ये सब हो रहा होता है। तो आप के अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप माफ कर दें लोगों को, ठीक है, और अपने आप को जो है जितना मैक्सिमम हो सकता है बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने अपने आप को वैल्यू दें। अपने सारे दिन में 24 घंटे में एक घंटा आप अपने लिए, जिसको हम मी टाइम कहते हैं, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करें। और यह है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर तो वो है, अपनी पॉजिटिव चीजों को देखें, राधा देन आप सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बॉडी का ख्याल करें, ये सब हमारे इख्तियार में है जो हम कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अच्छे लोगों से मिलें, उनसे इम्प्रेस अगर होते हैं तो उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, और अपने आप को देखें कि मैं किस लेवल तक जा रही हूँ। जो स्ट्रेसेस हैं वो आपके मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं, उनको देखें मैं किस तरह हैंडल करूँ, खुद नहीं हैंडल कर सकती, किसी से मशवरा लें, लोगों को देखें, मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे स्क्रिप्ट यूट्यूब में भी मौजूद हैं, उनको भी देखें, ये तमाम चीजें होती हैं। और अपने माइंड को सारे दिन में 24 आवर्स में 1 आवर ऐसे दें कि जिसमें आप सिर्फ अपने आप में रहें, ये मी टाइम कहलाता है। अपने आप से देखें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, और मैं कैसे खुश रही आज, और कौन सी चीज ने मुझे बॉदर किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको हेल्पफुल होंगी कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ। इस चीज को ना सोचें कभी कि कहीं कोई मुझे पागल कह देगा, कहीं कोई मुझे ये कहेगा कि ये तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ है। आप ये देखें कौन कौन से जो ट्रिगर्स थे जो मैंने आपको बताए, जिनकी बिना पर आपकी ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसको आइडेंटिफाई करें, इसको एक्सेप्ट करें, और इसके सोल्यूशन की तरफ आप खुद जाएं। आपके पास खुद रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ये आप नहीं कहें कि आप कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए किसी भी कोई ऐसी खास एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी तरबियत में शामिल है, हमारे दीन ने हमें तरबियत दी है, हमें अपने अच्छे लोगों ने तरबियत दी है, हमारे माँ बाप ने दी है कि हम छोटे छोटे मसाइल को कैसे कोप अप करें। तो आप ये चीजें जानना छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि अगर मैंने कोई किसी से तस्करा किया तो वो मुझे ये समझे, ये स्टिग्मा आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए उसको सॉल्यूशन की तरफ आए, और सॉल्यूशन की तरफ आने की जगह जो है वो ये हम जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले आते हैं, अपने आप को तंग कर लेते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अगर कुछ चीजें बियॉन्ड योर कंट्रोल हो, दूसरों से हेल्प लेके भी ना मिले, तो आप काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको जो है कोई ये कहेगा कि भाई ये कोई बीमार है या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। इतना रिलीफ कनाडा जो है वो यहाँ पर वर्चुअल काउंसलिंग की फ्री सर्विसेज दे रही है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर भी मैंने इनको दिया हुआ है, 9059978777। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन आंसर पे आप आ जाइए। पहला सवाल जो मैंने लिखा था डॉक्टर साहिबा, वो मैं शेयर करती हूँ कि कुछ लोगों ने ये पूछा था कि घर में अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अलामत तो बता दी हैं, वो चाहते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा कि परेशानी में है, अब कैसे पता चलेगा हमें। देखिए, परेशानी जो है वो सबसे ज्यादा को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि आदमी अपनी नॉर्मेलिटी से हट के आपके साथ बिहेव। अब एक बच्चा है, मिसाल के तौर पर मैं दोनों की मिसालें दूंगी आपको, बच्चे की भी और बड़े की भी। बच्चे की मिसाल अगर आप लेंगी तो इस तरह से है कि बच्चा रोजाना रूटीन में आपके साथ खाने अपने बैठना, नमाज के होमवर्क है, और ये सारी इसकी एक्टिविटीज हैं, खेलना भी है, सब कुछ है। उसके अंदर एक दो एक्टिविटीज अगर नहीं हो रही, बच्चा क्वाइट है, तो आप फौरन से फील करेंगी कि ये खामोश में है। चले एक दिन डिस्टर्बेंस हो सकती है, दूसरे दिन हो सकती है, तीसरे दिन वो फिर कुछ यानी कि बिस्तर में ही जाके लेट जाता है और बेड पे पड़ा हुआ है, आपने देखा भी नहीं उसको। फिर इसके बाद आप देख रही हैं कि हफ्ते दो हफ्ते से इसके अंदर यह के चेंजेस हैं, और जब आप पूछती हैं तो वो इरिटेट होकर के आपको जवाब दे रहे, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ये वार्निंग साइन है, वार्निंग साइंस जिसने मैंने आपको बताया था, इसमें से दिस इज द वन ऑफ द वार्निंग साइंस, जिसमें जहां पर आपको बच्चे के लिए आइडेंटिफाई करना है।
और बड़े के लिए अगर देखना है तो सेम यही चीज है। अगर आप हैं जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों की छोटी छोटी बात आपको इरिटेट कर रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि कोई आपको पूछ रहा है या आपको बता रहा है कि क्या है, अगर एक किसी बात को पूछ लिया कि भाई अगर फला मेरी शर्ट कहाँ रखी और उसको भी आपने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, तो आप खुद से सोचेंगी कि मैंने ये कैसे जवाब दिया। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो घर के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अब तक तो ऐसे जवाब नहीं मिले थे मगर अब क्यों, ये खामोश क्यों है, ये खाना क्यों नहीं खा रही, ये सही से सो क्यों नहीं रही, ये तमाम चीजें जो है वो वार्निंग साइंस होती है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता। जी, एक सिस्टर ने सवाल ये पूछा है कि हाउ अ डिप्रेस्ड वुमन कैन सेटिस्फाइड हर फैमिली एक्सपेक्टेशंस बिकॉज फैमिली डज नॉट एक्सेप्ट हर। ये बड़ी कॉमन है यहाँ पर कि डिप्रेस्ड वुमन का जो है वो उसको अपना इलाज खुद ही ढूंढना है इन अ वे। और रही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की कि वो दूसरों को कैसे मुतमईन करे, तो वो मुतमईन का तो आप पहले आप अपनी आपको खुद देखना है, आपको खुद अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि वो अगर खुद से समझ रही है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो देट इज वेरी गुड। सबसे पहला अमल तो शुरू हो गया कि उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरे को तसल्ली देने का यही है ना कि उनके उनकी चीजें वक्त पे नहीं हो रही होंगी, उनके साथ डिस्कशन जो है वो वक्त पे नहीं हो रही होगी, उनके साथ जो है वो उनकी खुशी का ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा, या जैसे उनके साथ वो बिहेव करती थी वैसा नहीं हो रहा होगा। तो सेटिस्फेक्शन तो जब ही होगा जब आप अपने रूटीन पर आएंगी, और रूटीन पर आने के मैंने मुख्तलिफ मेथड आपको बताए हैं कि आपको किस किस तरीके से रहना है, अपने आप की जो मोनोटनी है, जो जिंदगी की यकसानियत है उसको खत्म करना है। जब यकसानियत को खत्म करने का मतलब ये होता है कि एवरी डे सेम रूटीन से आपको निकलना है, उसको ब्रेकअप करना है, आपको आउटसाइड थोड़ा जाना है, अपने अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जब भी आप दूसरे को मुतमईन कर सकते हैं। और अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो आप रिपोर्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कर सकते हैं कि मेरी तबीयत में कुछ आजकल ऐसी चेंजेस आ रही हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे या तो वो घर वाले ही हेल्प कर देते हैं, अगर वो कोऑपरेटिव है नहीं है तो आप किसी भी काउंसलर, किसी फ्रेंड, किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। सिर्फ डिप्रेशन में रहकर किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिससेटिस्फेक्शन का लेवल आपका ही हाई है, आप ही डिससेटिस्फाई नहीं है ना अपने आप से ना अपने माहौल से, तो पहले आप अपने आप को करेक्ट करेंगी जब ही आप दूसरी तरफ जाएंगी ना। इसमें एक सिस्टर ने ये सवाल पूछा है कि अगर इफ पार्टनर डज नॉट डोंट एडमिट दैट ही इज हैविंग एनी इशू तो हमें फिर क्या उस सूरत में क्या करना चाहिए? उस सूरत में देखिए अगर उसको इसके बड़े इनडायरेक्ट वेज होते हैं जिसमें आप इनको रियलाइज करा सकते हैं कि कहाँ वो गलत हैं कहाँ वो सही हैं। फॉर एग्जांपल अगर इशू को अगर आप आइडेंटिफाई कर देंगी तो देन मैं बहुत टारगेटेड हेल्प कर दूंगी आपकी, आप मुझे बताइए कौन सा इशू। जैसे बार बार पे बिगड़ जाना और अपनी बात पे जिद पर अड़े रहना या कुछ इस तरह का अगर कोई इशू है और वो समझ नहीं रहे कि ये कुछ ऐसा घर में यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि गुस्सा होना, कंट्रोलिंग करना दूसरे को और इरिटेट होना, अगर इस चीजों को लिया जाए जो कि बड़े कॉमन इश्यूज हैं और ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं हमारे पास, तो उसमें आपको करने का तरीका यही होता है कि जब आप महसूस करें कि ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गई है तो उसके जो है बिहेवियर को जो है वो आहिस्ता से आप अपने रिलेशनशिप को अपने हस्बैंड के साथ जो है वो पोलाइटली बढ़ाते हुए उनको फिर आइडेंटिफाई करवा सकती हैं कि देखिए आज आप बहुत ज्यादा गुस्से हो रहे थे तो ऐसी क्या बात है, क्या बाहर से कोई बात हुई है या कुछ हुई है। अगर जिस तरह एक तो होता है ना कि एक अगर गुस्सा हो रहा है तो दूसरा जो है वो उसके ज्यादा और डबल गुस्से हो जाता है, तो यानी कि दोनों तरफ से बैकफायर होता है, वहां पर कोई बीच में होता ही नहीं कि इसको मीडिएट करे। तो आपका काम यह है कि आपको समझदारी से काम लेना है, जहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि भैया गुस्सा क्यों हुआ। हाँ अगर गैर जरूरी बात पर गुस्सा है तो वो भी आइडेंटिफाई कराए, अगर जरूरी कोई है या कोई बाहर से कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि उनको वो फेस करना है और घर में आके सही बहुत सारे मर्दों का ये होता है कि वो सही तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब वो सही एक्सप्रेस नहीं करते तो फिर लाजिम है उसका एक्सप्रेशन का अंदाज एक बच्चे की तरह से होता है जो कि एंगर की सूरत में निकलता है। तो यहाँ आप एक थोड़ा सा मेच्योर रोल प्ले करें कि आप पूछें, अगर वो चीज आपको लगती है कि वो सही है और इनका गुस्सा, इनकी इरिटेशन, इनका कंट्रोलिंग एटीट्यूड सही है तो फिर आप गाइड कर सकते हैं, और अगर सही नहीं है तब भी बता सकती कि ये बात जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। फिर घर में और भी लोग होते हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है, या उन्हीं की मदर हो, उन्हीं की बहन हो, उनके फ्रेंड सर्कल हो, तो उनकी हेल्प लेकर के आप उनको आइडेंटिफाई करा सकते हैं, मगर डायरेक्टली जो है ना फायर बैक नहीं करना चाहिए। जी,
ठीक, जजाक अल्लाह। और भी सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा है ये कि एक सिस्टर ने लिखा है कि अगर हम एंगर कंट्रोल कैसे करें, कोई हमें टिप्स चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो जब गुस्से में होती है, अपसेट होती है, तो वो अपने आप को बाइट करती है। तो ये वो कहती है कि इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या करूं, तो आप प्लीज कोई टिप बताइए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। टेम्पररी तो मैं ये बताऊंगी, ये भी बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स हैं लड़कियों की स्पेशली, कि सेल्फ बाइटिंग है, सेल्फ स्क्रैचिंग है, अपने आप को कट करना है, अपने बालों को पुल करना है और बाथ टब में लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाना है। तो ये काइंड ऑफ लाइक यू नो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रही होती है। ये एंगर जो है, ये एंगर नहीं है, इसके पीछे जो है वो बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और अगर ऐसी चीज कोई देखें तो पहले तो बच्ची ही के साथ देखें। सबसे पहली चीज जो वर्क करती है वो मैंने हर चीज में आपको कहूंगी और अब भी कह रही हूँ कि आप लोगों को जो है इसमें रिलेशनशिप पर बहुत वर्क करना होता है। अगर बच्ची के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप जो है उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि ये तमाम रिएक्शन का, ये रिएक्शन है, ये कोई यानी आप ट्रिगर्स नहीं है, ट्रिगर्स यानी जिनकी जिन बातों के बिना पर ये हो रहा है उन बातों को हमें आइडेंटिफाई करना है। गुस्सा कंट्रोल करना ये अलग टॉपिक है, इस पे हम एक अलग से पूरा सेशन रख सकते हैं, मगर यह है कि फॉर नाउ गुस्सा कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ वो ये है कि बच्चे की बात को एक्सेप्ट करना और फिर उसके हिसाब से चलना, तो आप 70% उसका गुस्सा खत्म कर देती हैं। मगर ये जो इन्होंने कंप्लेंट्स बताई हैं, ये कंप्लेंट्स थोड़ी कंसिडरेबल है, इसको तो इसके ऊपर इनको भी वर्क करना चाहिए, दूसरे से भी पूछना चाहिए। और नहीं होता तो मेनली जो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि फिजिशियन या काउंसलर इनको रुजू करना चाहिए, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस पर ना डॉक्टर साहब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि बच्चे की एज क्या है, क्या वो अपने आप को ऐसे इस एज पर है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। मैं अभी ये लिखा आ रहा है कि ही इज जस्ट वन एंड हाफ ईयर ओल्ड। वन एंड हाफ ईयर ओल्ड, यस, एंड ही इज बाइटिंग हिमसेल्फ ना हाफ ईयर ओल्ड की, तो यानी इतने ज्यादा टीथ भी नहीं आते, अपने आप को काटता है। मगर ये है कि हाँ, अब आप सोचे ना कि ये भी बच्चे की अपनी नीड्स होती है, वो नीड्स पूरी नहीं हो रही होंगे। अगर कार्टून वगैरह देखना, देखे सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो तो एक अलग कहानी है, पूरा एक अलग आप उसको कह लीजिए एक सिलेबस है पूरा। उसको अगर हम देखें तो उसको छोटों ने नहीं, छोटे ही इससे खराब नहीं है, उससे बड़े भी खराब है। वन एंड हाफ ईयर ओल्ड की तो कोई स्ट्रीट नहीं बनती नहीं है सोशल मीडिया से। और ये बाइटिंग जो, अगर बाइट करके बच्चे की एक आपको मैं बता दूं कि एक खसलत होती है कि इसको कब इसकी डिमांड पूरी होती है। अगर वो चीखता है जब होती है, जब वो हंसता है जब होती है, जब वो काटता है जब होती है, जब वो चीख यानी चीजों को फेंकता है जब होती है, जब अपने आप को दीवार पे मारता है जब होती है। आपने किससे कंडीशन किया अपने बच्चे को? कुछ माएं कहते हैं पहले हंसो हम फिर आपको देंगे, कुछ माएं कहते हैं मम्मा को प्यार करो फिर हम आपको देंगे। तो दीज आर डिफरेंट वेज ना, ये पेरेंटिंग की तरफ आ जाता है। ये बच्चे का रिएक्शन है, किस बात से रिएक्शन है, अगेन ट्रिगर्स पे वर्क करना होता है। कौन सी ऐसी बात है जिसपे ये कर रहा है? हर बात पे अगर कर रहा है तो क्या है, बच्चे काट क्यों रहे हैं इतना? अगर बाइटिंग है, बच्चा निग्लेक्ट होता है हमारी वजह से, वो निग्लेक्शन का पार्ट है बेसिकली। ये निग्लेक्ट शो कर रहा है कि वो निग्लेक्ट हो रहा है कहीं से, उसकी फीलिंग सही नहीं हो रही या उसको कोई चीज चाहिए वो सही नहीं हो रहा। बच्चे के साथ तो एक ये अलग जॉब है ना कि ऑल द टाइम उसके लिए एक चीज आप सेटअप करें, उसका रूटीन के उस इतने टाइम पे खेलना है तो इतने पे, उसको भूख लगी है तो खिलाना है, ये सब कुछ करना है। डॉक्टर भाई एक सवाल मेरे पास भी है कि बच्चा है काफी सवेर ज़हनी परेशान है, ज़हनी तौर पर माँ बाप को भी पता है और घर में वो तोड़ फोड़ भी करता है, सब कुछ करता है, सारे उसके अंदर सिम्टम्स हैं, लेकिन जब उसको कहते हैं कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो बच्चा किसी सूरत माँ बाप की बात नहीं मानता। इस सूरत में माँ बाप को कैसे उस बच्चे के साथ रवैया करना चाहिए? देखिए अंडर 16 इयर्स ऑफ एज में तो आप खुद जाके यानी एज ए पेरेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं, बता सकते हैं, लेके जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की बच्चा जो पेरेंट्स की कस्टडी में होता है, ठीक है ना, 16 to 18 ये एज होती है 1 ईयर से लेकर के। और अगर उसके बाद तो फिर वो बच्चा नहीं होता। यहाँ तो कैनेडियन लॉ के हिसाब से बच्चा अपनी खुद जो है वो डायरेक्शन लेता है, उसमें खुद वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो अगेन मैं ये कहूंगी कि वो चाहे 18 साल का हो, 20 साल का हो या 16 साल का हो, ये रिलेशनशिप ही होते हैं माँ बाप के जो बच्चे को लेके जा सकते हैं। ये एकदम से 17 इयर्स की एज में तो ऑनसेट नहीं होता, ये ऑनसेट तो बहुत पहले से होता है। इसको आइडेंटिफाई इसका मकसद है, वक्त पे नहीं किया गया तो वो बढ़ता चला गया, तोड़ना फोड़ना, ये भी एक सीरियस वार्निंग साइन है।
और इसमें मेडिसिन की जरूरत होती है, इसमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, इसमें काउंसलर से, और इससे काम नहीं चलता। हो सकता है कि इसकी ब्रेन की केमिकल इम्बेलेंसिंग हो, तो ये आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चा अगर 18 से 20 के ऊपर की एज का हो तो आप 911 कॉल करके और फिर उनको ये सारी सूरत हाल बताएं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बियॉन्ड आपके माँ बाप उस वक्त माँ बाप कहते हैं वो हमारा बच्चा ले जाएंगे, एटलीस्ट ये घर में तो है। नहीं ले जाता, 18 की बात तो कोई नहीं ले जाता, बच्चा से मुराद फिर यही होगा कि वो टीनेजर होगा कोई। नहीं, इस चीज को कोई नहीं लेके जाता, ट्रीटमेंट होता है इनका, इस कंप्लेंट के साथ कोई नहीं ले जाता। अगला सवाल ये है कि जब क्या ये हार्मोनल चेंज है कि किसी में अगर एंजाइटी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको एज ए यानी उसको सेहत के हवाले से देखेंगे या उसको मेंटल उसकी ना कंडीशन समझेंगे? जी देखिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कुछ हार्मोनल से चेंजेस से भी जो है कनेक्शन है, और अगेन ये डायग्नोसिस से बात आती है कि इसको रूल आउट करना पड़ता है। ये हार्मोनल इम्बेलेंसिंग भी क्यों होती है ये भी हमें देखना है, क्योंकि ये इम्बेलेंसिंग अगर हुई है तो आप ये सोचिए कि ये फिजिशियन जो है इस चीज़ को रूल आउट करते हैं डिफरेंट ब्लड वर्क से, और अगर कोई ऐसी इम्बेलेंसिंग है और इसको अगर अगर बच्चे को अगर आप बात समझा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और बच्चा इतना ओबीडियंट है कि आपको लिसन भी कर रहा है, आपकी बातों को फॉलो भी कर रहा है, फिर भी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पर एक वार्निंग साइन ये भी है कि आपको किसी फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करना चाहिए ताकि पता चल सके। मगर हाँ, फिर भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेज होती हैं वो किसी हद तक इन्वायरमेंट की भी डिपेंडेंट है। तो क्या एनवायरनमेंट है, क्या नहीं है, फिर इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप ये देखिए कि एनजाइटी खुद ब खुद डेवलप नहीं होती, उसके भी ट्रिगर्स होते हैं और किस किस लेवल के होते हैं, ये जब तक हम क्लाइंट से नहीं मिले, हम देखें नहीं, बात नहीं करें, हम रूल आउट नहीं कर सकते। मगर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि पहले खुद देखें, खुद बात करें बच्चे से, फिर इसके बाद काउंसलर को देखें, फिर इसके बाद अगर काउंसलर आपको खुद जो है वो रेफर करेगा कि फिजिशियन के पास जाना है, उसके पास जाना है, समझ लीजिए सेक्रेटरीज के पास, वो खुद आपको रेफर करते हैं। और देर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। सही। अच्छा, एक अगला छोटा सा सवाल है लेकिन शायद इम्पोर्टेंट है, वो यही कि कोई बच्चे जैसे होते हैं ना कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स को, चाहे उसके अंदर जो भी उसको बुरा महसूस हो रहा, अच्छा महसूस हो रहा, कुछ भी, तो एक्सप्रेस नहीं करते, तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स या घर वाले क्या करें? ऐसी सूरत में ये होता है कि बच्चे को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको देना है। और इसके और एक्सप्रेशन पे ये बच्चे, वो कौन बच्चे करते हैं, इसका मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल ये दे दूं, ये वो बच्चे करते हैं जिनकी बात को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिनकी बातों को लिसन नहीं किया जाता। बच्चा बात गलत भी कह रहा है ना, उसको लिसन करके फिर इसके बाद करेक्शन की तरफ आए। यूजुअली हम या तो डांट देते हैं या इमीडिएटली इसको करेक्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू देम एंड देन गो टू द करेक्शन पॉइंट, अदरवाइज नहीं है। शाइनेस को जो है उसको इनकरेज करें कि हाँ बोलो, अब कहो। बच्चे कुछ बच्चे स्पीच नहीं कर सकते तो घर में छोटे छोटे से टॉपिक दें, चलो मेरे सामने सुनाओ, शीशे के सामने बोलो, आप कितने अच्छे लग रहे हो, उसकी पॉजिटिव चीजें गिनवाएं, उसकी वॉइस को गिनवाएं, उसके वर्ड्स को गिनवाएं, तो क्यों नहीं करेगा वो? उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, तो शाइनेस वहीं डेवलप होती है। उसको अप्रोप्रिएट रिइंफोर्समेंट नहीं मिला होता, इसको अप्रोप्रिएट समझ लीजिए कि जिसको हम उर्दू में कहें तो शाबाश जो वर्ड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड, यस, यू कैन डू दैट, यू आर द बेस्ट। हम इसकी जगह कहते हैं कि अरे तुम तो कर नहीं सकते, तुम्हारी आवाज यहाँ सही नहीं थी, तुम यहाँ पर सही खड़े हुए नहीं थे, तुमने सही बोला नहीं। तो ये चीजें जो है वो आप सोचे ना, बच्चा फिर जो है, हाँ, माँ अगर कुछ कह रही हो, बाप अगर कुछ कह रहा हो, दोस्त अगर कुछ कर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी बच्चे को स्टॉप कर देती है एक्सप्रेस करने से। उसको लगता है कि देखिए, यूजुअली हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है और यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। बच्चे यहाँ के स्कूल में जाते हैं, यहाँ के माहौल में रहते हैं, यहाँ दोस्त हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, जब घर में वो आते हैं तो उनको डिफरेंट मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल जी उसी की तरीके से, बच्चों को ये लर्न जरूर करें कि बेटे जब आउटसाइड वर्ल्ड आप घर जाते हो, घर से जाते हो, तो वहाँ पर एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, तो वहाँ ठीक है वो सब सही होता होगा, मगर इतना भी फ्लिप एनवायरमेंट आप घर में ना दें कि बच्चे को लगे कि मैं कोई और दुनिया में आ गया हूँ, तो इसलिए वो घर में
में शाय रहता है। अगर आउटसाइड सिचुएशन में भी वो शाय है तो मीन्स वो कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है। उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। क्या ये मुझे मेरे टीचर्स बता रहे हैं, मेरे दोस्त बता रहे हैं वो सही है या मेरे माँ बाप सही है, तो इन चीजों को पहले रूल आउट करना होता है। सवाल ये है कि हाउ कैन आई हैंडल माई फैमिली हु हैज मेंटल डिसऑर्डर ना, एंगर मूड में वो है, उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं? जहाँ तक एंगर की बात आप कह रही है ना, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन मैंने कर दिया था कि एंगर को किस तरीके से हैंडल, क्योंकि जो मैं अगेन वो ये है कि हमें फिगर्स पकड़ने होते हैं कि किस वजह से हुआ। खामोखा अगर कोई एंगर है तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी नोट की जाती है कि कितनी दफा हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो लाजिमी आप खुद ब खुद जो है वो उसकी तक पहुंचेंगे। मगर एंगर मैनेजमेंट की तरफ अगर आप जाती हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि ये एक अलग पूरा चैप्टर है। इसको मैं दो अल्फाजों में सिर्फ इसी तरह से कहूंगी कि एंगर को अंडरस्टैंड करें, फायर बैक ना करें और उस पर वर्क करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला यू विल बी आउट ऑफ इट। मगर इतना आसान नहीं, ये मैं कह रही हूँ, मगर है कि इट्स नॉट सो ईजी कि आप कह दें और हो जाए, नहीं। अगेन आपको उस पर वर्क करना है, इसके लिए ही आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है। कुछ आप या तो आपस में ही कोई ऐसा ग्रुप रखें जिसमें डिस्कस करें या किसी काउंसलर से देखें, तो जब भी आपको ये तमाम चीजें मिल सकती। एंगर एक थोड़ा सीरियस इश्यू भी है, ये है कि कुछ अंडरस्टैंड करने वाला भी है, यू नीड टू फाइंड आउट ट्रिगर्स अगेन। एक सवाल और है, वो ये कि जैसे घर में जब बच्चे अपने स्कूलों से आके सवालात करते हैं या कोई वर्ड ऐसे यूज करते हैं जो हम एज ए मुस्लिम कहना चाहिए या एज ए पेरेंट्स हम उन सवालों को या उन वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते या बुरा समझते हैं, तो वो बच्चे जब उन अल्फाज को बोलते हैं और हम उनको जब टोकते हैं तो बच्चे फिर अपने आप को उस पर भी अपने आप को यानी कि वो समझते हैं बाहर की दुनिया ज्यादा बेहतर है और हम वो हैं, तो उस सूरत में पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए अमूमन बैड वर्ड्स भी यूज करते हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें जो कि अनएक्सेप्टेबल, एक सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही नहीं दूसरे कल्चर लोगों के लिए भी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पर कि हम इस चीज को कैसे डिलीट करें अपने बच्चों के दिमाग से कि जब वो रह गए। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं कि ये कल्चर नहीं है, आपको ऑटोमेटिक जो बच्चे बोल देते हैं ये कैनेडियन कल्चर नहीं है कि ये बैड वर्ड्स यूज करें, ये दूसरों के घरों से चीजें आ रही होती हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि बच्चे जब इस तरीके का वर्ड बोले तो पहले इग्नोर करें, फिर से कहें कि ये जो तुमने कहा मुझे समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन इट? वो कहेंगे कि नहीं आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने बोल दिया। तो फिर आप इसको एक दिन जाने दीजिए, दो तीन दिन बात कही कि हाँ मैंने फला से पूछा था, इसके तो बड़े यानी कि ऑफुल मीनिंग्स हैं, और ये तो ये कभी ना कहें कि ये हमारे घर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे मजहब में एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये मैं आपको बात बता दूं कि मैंने बहुत कल्चर स्टडी किया है, किसी भी कल्चर में बदतमीजी बैड वर्ड्स जो है ना अलाउड नहीं होते। अच्छी बात हर कल्चर में अच्छी है, हम सिर्फ मजहब इस्लाम को लेकर चल रहे हैं तो बच्चे इस मजहब से भी चिड़ रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि मजहब इस्लाम को कह रही है, अच्छा हाँ इस्लाम मजहब में तो बहुत पाबंदियां हैं, बहुत ही है, तो थोड़ा सा इसको जनरलाइज करो, देखो बेटा ठीक है हम इस्लाम में हैं, हमारे यहाँ ये चीजें मना है, सब कुछ है, मगर उस इतनी जल्दी इस मजहब को ला करके आप डिस्कस नहीं करें, पहले तो आप इसको जनरलाइज करें कि जो भी बात हो, गलत बात तो गलत है, माँ चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी और कल्चर की, रिस्पेक्ट उसके सामने बात करने का अंदाज इस सेम है, मोहब्बत भी सेम है, कुर्बानियां भी सेम है, हर चीज सेम है। मगर हाँ कहीं भी गाली देना जायज नहीं है, माँ को कहीं भी बुरी बात बोलना जायज नहीं है, कहीं भी मिसबिहेव करना जायज नहीं है। तो आप पहले खुद ही अंडरस्टैंड करें, इस चीज को जनरलाइज करें, अगर कोई बैड वर्ड यूज करता है तो उसको बहुत सीरियस लें, अंदर से लें, उसको शो ना करें। समटाइम्स बच्चा आपको टॉर्चर करने के लिए भी ये यूज करेगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई चीज जब नहीं मानी जाती तो वो काम करना चाहता है जिससे आप टॉर्चर्ड हो, रिएक्शन होता है ये तो। जी, समटाइम्स को बच्चे शौकिया करते हैं तो वहाँ वो वापस भी आ जाता है। एक लास्ट बात जो बहुत सारे हमारी बहनें पूछना चाह रही हैं कि भाई जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो कितनी देर लगती है और कितने सेशंस में ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा, चाहिए आगे? ठीक है, यूजुअली होता ये है कि इसका जैसे अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है वो इंटेक कहलाता है, जिसमें हर चीज बेसिक
नोट की जाती है, उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट किस वजह से आप आए और उसकी थोड़ी सी डिटेल ली जाती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉब्लम ये है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सेट किए जाते हैं, जिसमें 45 to 50 मिनट्स का एक सेशन होता है और जो 5 to 12 सेशन तक भी जा सकता है, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। एक छोटी सी बात सिर्फ मैं अपने तौर पर पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है तो क्या आसपास के लोग या घर वाले उस बच्चे को या जो भी बड़ा भी है इवन, तो उसको ये ना कहें कि तुम्हारे अंदर ये मेंटल प्रॉब्लम है, तुम तो पागल हो, जब भी तुम्हें जाना पड़ा और ये सब कुछ है, ये उसको तो बिगाड़ने का और सबब बनेगा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उस सूरत में फिर क्या छुपके ये काम किया जाए या किस तरह से? नहीं नहीं, छुपके क्यों काम किया जाए? देखें यहाँ पर तो खैर अब तो मेंटल हेल्थ वेलनेस का तो इस कदर हो गया कि स्कूल में भी ये शुरू हो गया, तो ये कोई मेंटल नहीं कहलाता। जिस तरह से एक बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पेट का दर्द है, सर का दर्द है, ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है। और ये तमाम चीजें जो है एनवायरमेंट से पहले जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ आती हैं और इसमें आप एक्सेप्ट करते हैं। ये जो आपका एंजाइटी का होना कुछ लोगों में ज्यादा है, कुछ इग्नोर करते हैं। बुली का आप देखिए कितना होता है, और इसमें बच्चे उसी में बच्चे अपने आप को किल भी कर लेते हैं, उसी में बच्चे विड्रॉल हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, शाइनेस की तरफ चले जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। अब बच्चों को लेकिन बेटे आप चूंकि ये एंजाइटी आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट की तरफ रुकावट है तो इसीलिए हम लेके जा रहे हैं, बाकी और कोई ऐसी रीजन नहीं थे कभी मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से। नो सही, जितने भी वार्निंग साइन जो ये सारी चीजें जो भी डिस्कस हुई है, मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, फोन नंबर मैं दे चुकी हूँ, बहरहाल ईमेल एड्रेस पे भी कुछ लोग जो करना चाहेंगे और जितनी भी मुझसे मदद हो सके इंशाल्लाह आई विल डू दैट, उसमें कोई इनकार नहीं है। और ये है कि ये तमाम मेंटल हेल्थ इशू को ऐसे ही लें और कि जैसे आप ये समझती हैं कि आपकी जिंदगी को अगर बहुत खुशगवार बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को जरूर देखें, अपने आप को जरूर देखें, क्योंकि आप ही हैं जो अपने घर के मसाइल को, अपने बच्चों के मसाइल को और आपके शौहर के मसाइल को समझ सकती हैं और सॉल्व कर सकती हैं। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगी तो आप किसी चीज से लड़ नहीं सकते। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।